और देखिए, इस चुनावी साल के बजट में गहलोत सरकार सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा काल में 3 के बजाय 4 प्रमोशन का लाभ संभव है। इसे लेकर उच्च स्तर पर परीक्षण की चर्चाओं के जोर पकड़ने से कर्मचारियों को चुनावी साल में बड़ी उम्मीद बंधी है। पेश है रिपोर्ट। पिछली बार के बजट में ओपीएस लागू करने की मुंह मांगी मुराद पूरी करने के बाद इसके आगे की कड़ी में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 और 32 सालों की सेवा पर प्रमोशन के परीक्षण की एक्सरसाइज की जा रही है। अभी प्रक्रिया क्या है इसे समझे तो अभी सरकारी कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी होने पर ACP यानी एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन का लाभ मिलता है। इससे वे कर्मचारी जो सरकार की सेवा में 3 दशक या ज्यादा समय तक रहते हैं उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। उन्हें हालांकि सालाना वेतन वृद्धि का लाभ ही मिल पाता है। क्या है 8, 16, 24, 32 साल के फॉर्मूले के फायदे, इस पर नजर डाले तो अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों को 3 के बजाय अपने सेवाकाल में 4 प्रमोशन मिलेंगे। इसके चलते ज्यादातर उन सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जो सरकारी सेवा में 3 दशक गुजार चुके हैं। CM अपने उद्बोधन में अनुभव का कोई विकल्प नहीं होने की बात कहते रहते हैं। ये फॉर्मूला लागू होने पर सरकार के अनुभव को तरजीह देने पर मुहर लगेगी। इससे ये फायदा भी होगा कि 27 साल के बाद प्रमोशन न होने से कई सरकारी कर्मचारी 9, 18 और 27 साल का प्रमोशन लेकर VRS ले लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। वर्तमान में जो कर्मचारियों को ACP ग्रेड का लाभ दिया जा रहा है वो न दे करके हम सरकार से उम्मीद करते हैं और इस बजट में उम्मीद है कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों को 2006 से पूर्व की भांति चयनित वेतनमान देगी और 8, 16, 24, 32 का लाभ मिलेगा, जिससे कि कर्मचारी जब 30-35 साल की नौकरी करता है तो उसे संपूर्ण लाभ दिया जा सके। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें 6-6 पदोन्नतियाँ होती हैं। कई विभाग ऐसे भी हैं जहाँ जैसे सहायक कर्मचारी ले लो, वर्क चार्ज कर्मचारी ले लो, राजस्थान के ड्राइवर ले लो, अन्य संवर्ग है जिनमें पदोन्नतियों के पद नहीं के बराबर है, उन्हें हम सरकार से मांग करते हैं। क्योंकि पिछली सरकार से हमारी एक बहुत हाई पावर कमेटी के साथ वार्ता हुई थी 8, 16, 24, 32 चौथी पदोन्नति पद का लाभ देने की। उसको लागू होने से पहले ही आचार संहिता लागू हो गई थी। इसी मांग को लेकर हम 4 साल से सरकार को देते आ रहे हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि कर्मचारियों को कम से कम सेवानिवृत्ति पे जो वेतनमान है, जो पेंशन है, वो एक सम्मानजनक मिले। इसके लिए 8, 16, 24, 32 का जो चयनित वेतनमान पदोन्नति पद का लाभ देने के लिए मांग करते आए हैं और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि चयनित वेतनमान 8, 16, 24, 32 करे। इस फॉर्मूले को लेकर पूर्व की राज्य सरकार में आचार संहिता से पहले एक्सरसाइज पूरी कर ली गई थी और तब जल्द लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस समय की सरकार आचार संहिता से पहले निर्णय नहीं ले सकी। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।